जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? हर हर महादेव। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं अभी फ़िलहाल मंदिर जा रही हूँ, टाइम हो रहा है 6:30। तो नीचे देवरानी भी रेडी है, मैं भी रेडी हो गई हूँ, तो निकलती हूँ मंदिर के लिए। चलिए गाइस मिलते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर निकलिंग पे कच्ची लस्सी चढ़ाती हूँ, जिसमें मैंने चीनी दूध गंगा जल और ये जल लिया है। और साथ में एक दिया ले जाती हूँ, दो धूप बत्ती, एक सूर्यदेव की, एक शिवलिंग की, इसमें तीन लौंग और एक कपूर डाल के, और ये पार्वती जी को चढ़ाने के लिए। ये सब सामान लेके मैं अभी फ़िलहाल मंदिर जा रही हूँ। तो आपको रोज भोलेनाथ के दर्शन कराए जाएंगे। ये नंदी जी महाराज हैं, पार्वती माता, गणपति, विष्णु और शिवलिंग के दर्शन डेली आपको ये दर्शन कराती रहेंगी। तो शिव जी के लिए हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आप सभी को हर हर महादेव। चलिए तो गाइस देखिए, आज मेरे बच्चों की ड्रेस भी आ चुकी है, रेड सॉक्स जिस पर डॉल्फिन लिखा है। ये देखिए स्कूल ड्रेस, कितने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों बच्चे। कमेंट कीजिएगा इनकी ड्रेस पर और बच्चों पे के बच्चे कैसे लग रहे हैं देखने में। और सो गाइस अभी मेरी दादी मेरे भी जाएगी। जय श्री श्याम बोलो हाथ जोड़ के पहले। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हाँ जाएंगी ना हरिद्वार, मम्मा कह देंगी कि कन्या मामा से, मम्मा कह देंगी स्केटिंग लेके रख लेंगे कन्या मामा, फिर मामा से लेते हुए आ जाएंगे आप दोनों के लिए, ट्यू के लिए भी स्केटिंग, डॉल के लिए भी। सुना, चलो आ जाओ मम्मा। सुनो वो तो बता दो जो मैं नीचे क्या पूरा कमेंट जरूर करना गाइस मेरे बच्चों पे। चलो मैं अभी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, दो पराठे, हरी मिर्च वाला अचार, छोलों की सब्जी। और सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ, अब सारा काम निपटा के पूजा पाठ घर का करके अब मैं खाने बैठी हूँ। पूजा करने से पहले मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, सब निपटा कर तभी खाती हूँ। तो अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, आप भी करिएगा गाइस। जा गए धूप में थक के। आज हम लंच टाइम में बना रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं और साथ में ये बादाम वाला ठंडा बनाया जा रहा है, जैसे रुआ अफ़ज़ा है ऐसी ये बादाम का है, तो ये ठंडा बना रहे हैं। So guys, अभी हम लोग गांधीनगर स्टेशन पे जा रहे हैं पापा और मम्मी को छोड़ने। नहीं 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 मम्मा भी जा रही हैं, पापा तो निकल गए ओला बाइक से, टिया भी जा रही है और मैं भी जा रही हूँ। माँ और पापा हरिद्वार जा रहे हैं, तो इसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं उनको स्टेशन छोड़ने। हरिद्वार में सौरभ जोशी भी रहता है, हल्द्वानी बोलते हैं वो लोग, पर हम हरिद्वार बोलते हैं ना मम्मा। उत्तराखंड, उत्तराखंड। और कैसा लग रहा है? हाय, हम सब जा रहे हैं घूमने। वहाँ से आते वक्त जब हम लोग माँ को छोड़ देंगे तब हम खाएंगे फलूदा। वो लाइट वगैरह रखी है ना पूरी ऊपर की बना, ऊपर की बना। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हर हर महादेव। मेरा भी जाने का मन हो रहा था, गंगा जी के दर्शन करने जा रहे हैं हमारे सास ससुर जी। सो गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा भी जाने का मन हो रहा था, बट अभी छुट्टी नहीं है, न्यू स्कूल स्टार्ट हाँ, हुआ है और वो कोर्स भी बहुत ज्यादा है हाँ, इसके वजह से जब जब अगली बार ये जुलाई आएगा तब हम लोग सब जाएंगे, जब ये समर वेकेशन पढ़ेंगे तब पूरी फैमिली जाएगी हरिद्वार, है ना मम्मा? घूम जाएंगे ना नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, ऐसे टूर बनाएंगे। सौरभ जोशी से भी मिलते हैं घूमने का। गाड़ी आ गई हमारे पीछे, गाड़ी नहीं ट्रक आया।
So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं। गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं गांधीनगर स्टेशन के लिए। चलो वो आपको रास्ता भी दिखाए के ले चलते हैं। आपको यहाँ से तो पता ही होगा। स्टेशन पे मिलते हैं। बाय। तो गाइस हम लोग पैकिंग हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं। आओ पापा कहाँ हैं? मम्मा। सो गाइस देखो ट्रेन आ रही है। देखो देखिए अभी कितनी दूर है ना। वो पुलिस वाली रेलवे ट्रेन पे आई थी। देखिए वो आ रही गाइस। मालगाड़ी भी खड़ी है इधर देखिए। चलो चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। वैसे गांधीनगर स्टेशन पर आने का तो अलग ही मजा है। देखिएगा ट्रेन भी आ गई। अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं पर मेरा भी बहुत जाने का मन हो रहा है। वो देखिए गाइस ट्रेन स्टेशन पे आ गई है। देखो आगे आएगी एस 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 वाइज। वो देखिए गाइस अटेंशन प्लीज। अटेंशन 2 9 8 6 ये दोनों जाएंगे। और ये जाएंगे एक्सप्रेस। सो गाइस कमेंट करके बताना ट्रेन में कितने डब्बे होते हैं। चल रहे हैं हम लोग। ये देखिए डबल ट्रैकर। डैडी डबल ट्रैकर आई है। डैडी डबल ट्रैकर। अब हम भी ऐसी ट्रेन में चले एक दिन। ध्यान दीजिए दिल्ली सराय रोहिल्ला। यहाँ पे गाइस डर भी रहता है। फोन पकड़ लेते हैं अपने फोन को। ख्याल से डबल टैगर। ओके अब अल्दीवा कहते हुए जब आपको दिखाएंगे जब अल्दीवा होगा। सो गाइस अभी मैं पी रही हूँ स्लाइस। देवर और देवरानी लेने गए थे मम्मी पापा के लिए सामान खाने पीने का। थोड़ा सा चिप्स शिप्स नमकीन कोल्ड ड्रिंक स्लाइस। बच्चे भी पी रहे हैं। तो गाइस हम आपको दिखा रहे हैं ट्रेन वंदे भारत। अटेंशन
लाइट उठ गया। अभी हम लोग यहाँ से पीने आए हैं बादाम शेक, जिसे कोल्ड कॉफ़ी पीनी है कोल्ड कॉफ़ी पिएगा, और जिसे बादाम शेक पीना है तो बादाम शेक। हर बार हम लोग कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं बट आज मैं बादाम शेक पीऊँगी।
चाची आ जाओ इधर, मुझे भी आपके पास बैठना। बाबू इधर बैठी हो ना। मैं तो पीऊंगी बादाम शेक। बादाम शेक तो उधर नहीं। अब वही वाला हो तो बनवाना, नहीं तो फिर बोल क्या। तो गाइस अपनी कोल्ड कॉफी आ चुकी है, बादाम शेक दूसरी साइड मिल रहा, तो फिर मैं भी कोल्ड कॉफी पी लूँ। ये सब कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। ऐसे चला रखा है और टीवी चला पाए और देखो तो मैं पुराने खिलौने और मैं फोटो देखो अब दिखाते देखो ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये मम्मी और ये है और ये मैं हूँ, जो भाई और ये मैं हूँ। हाँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट कर, वीडियो को लाइक करना कमेंट करना, ये तीनों ही है। और दादी ने ऐसे करके मम्मी आ गई अभी बातों से। आजा बातों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज, मिलते हैं कल मॉर्निंग में न्यू ब्लॉग के साथ। और अभी फ़िलहाल तो मैं सोने जा रही हूँ, एडिटिंग करूँगी। आज भी मेरी ब्लॉग लेट गई है, 11 बजे करीब मैंने अपडेट की थी। तो चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में न्यू ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, जय श्री श्याम।